कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। आज तेल बाजारों में और गिरावट बढ़ेगी क्या? सोया ऑयल पाम ऑयल के भाव और नीचे आ जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद तेल बाजारों के भाव और मार्केट का ट्रेंड, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल पाम ऑयल राइस ब्रान ऑयल के भाव की जानकारी, साथ ही मस्टर्ड ऑयल, और इसके साथ साथ आप लोगों को बताएंगे सोयाबीन सीड में क्या स्थिति रही, इंटरनेशनल बाजारों में आज किस तरीके से बाजार रिएक्ट करेगा, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इससे पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं खाद तेल बाजारों से संबंधित जानकारी के लिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जैसे कि देखा गया कल भी इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी को अगर देखा जाए तो केएलसी में गिरावट बढ़ी। केएलसी में कल -225 रिंगिट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। बाजारों में आपने देखा कि सोया ऑयल का भाव जो 130 रुपए तक चला गया था, लगभग 25 से 26 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज हुआ। पाम ऑयल का भाव भी 124 से 23 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज देखा गया। राइस ब्रान ऑयल का भाव 116 से 17 रुपए, एक्स मील का भाव हो गया, मस्टर्ड ऑयल का भाव 139 से 40 रुपए पे कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड में भी जो 6450 रुपए तक चली गई थी वहां से गिरावट आई, सोयाबीन सीड का भाव 6300 रुपए के आसपास बाजारों में हो गया। और आज अगर इंटरनेशनल बाजारों की स्थिति की बात करी जाए तो इंटरनेशनल बाजारों में आज केएलसी में लगातार दो दिनों में लगभग 450 रिंगिट की जो गिरावट आई थी, आज बाजारों में 24 रिंगिट प्लस के साथ बाजारों में शुरुआत हुई है। बाजारों में जैसे कि आपको बताया था, बाजार में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कल आपको ऑलरेडी लेबल भी दिए थे कहां आपको खरीदारी करनी है, कहां पर बिकवाली करनी है। आज भी आप लोगों को मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अभी जानकारी आप लोगों को देते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है पाम ऑयल में लगातार शॉर्टेज की स्थिति बनी हुई है। जुलाई महीने में अगर सीपी और ओलिन का इंपोर्ट की बात करी जाए तो जून के मुकाबले लगभग 5.86 लाख टन में 60,000 टन कम हुआ है। अगर जनवरी से जुलाई का इंपोर्ट 37,17,00,000 टन हुआ है तो जो पिछले साल से लगभग 41.60 लाख टन हुआ था। तो बाजारों में आप देखेंगे कि बाजारों में जो तेजी देख रहे हैं बाजारों में लगातार आप एक पाम ऑयल की शॉर्टेज की स्थिति की वजह से बाजारों में एक तेजी देखी जा रही है। केएलसी में लगातार आप देख रहे हैं गिरावट आ रही है। कल भी जो बाजारों में देखा गया, बाजारों में केएलसी में गिरावट आई। मलेशिया में जुलाई में उत्पादन जो बढ़ रहा है, और इंडोनेशिया ने अगस्त में सीपीओ का एक्सपोर्ट टैक्स जुलाई के मुकाबले $200 से घटाकर लगभग $33 कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट भी आप लोग बाजारों में देख रहे हैं। इसकी वजह से बाजारों में आप जो देख रहे हैं बाजारों में एक प्रेशर सा देखा जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में सोयाबीन की फसल की कटाई पर सीबॉट से और भी जो आगे आने वाले समय में सोया ऑयल में आप और भी बड़ी गिरावट आने के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मार्केट में आप एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आप एक बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का आज का सपोर्ट की बात करी जाए तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 125 रुपये है, रेजिस्टेंस का लेवल 128 रुपये है। अगर पाम ऑयल के सपोर्ट की बात करी जाए तो 122 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपये है। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल की बात करी जाए 116 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 119 रुपये। मस्टर्ड सीड के अगर सपोर्ट की बात करी जाए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6400 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 7000 रुपये के आसपास देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड की अगर बात करें तो सपोर्ट का लेवल 6100 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपये के आसपास है। बाजारों में अगर आपको खरीदारी करनी है तो सोया में आप 124 से 25 रुपये के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। पाम ऑयल में आपको खरीदारी करनी है तो 23 रुपये से 22 रुपये के आसपास खरीदारी करिए। राइस ब्रान 115 रुपये का भाव अच्छा है, इसके आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में अगर आपको खरीदारी करनी है तो 137 से 35 रुपये की रेंज के आसपास अगर बगा जा रहा है तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मस्टर्ड सीड में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गिरावट की अभी नहीं देखा जा रहा है। सोयाबीन सीड में अगर आपको खरीदारी करनी है तो थोड़े सा आपको गिरावट मिले अगर 100 से 200 पॉइंट की, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाजारों में इसी तरीके से रेंज बाउंड कामकाज देखा जाएगा। लंबी चौड़ी बाजारों में गिरावट और ना रही लंबी चौड़ी तेजी के अभी फिलहाल आसार नजर आ रहे हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।